दोस्तों आज का सफर है भीमताल स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर का। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, नाम से भी स्पष्ट है कि ये भीम ने बनाया होगा करके। तो बातें करेंगे इस मंदिर के निर्माण के संबंध में, और बातें होंगी उस मंदिर से जुड़ी हुई, उसके इतिहास के संबंध में तथा मंदिर के निर्माण के बारे में। तो चलिए चलते हैं सीधे भीमताल स्थित भीमेश्वर महादेव के मंदिर। भीमताल में स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर एक स्वर्गीय दृश्य के साथ एक सुंदर क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल में स्थित है। यह भीमताल झील के तट पर एक पुराना शिव मंदिर है। इस मंदिर का नाम महाभारत के शक्तिशाली पात्र भीम के नाम पर रखा गया था। स्कंद पुराण के अनुसार भीम ने एक बार अकेले ही हिमालय की यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि बाज बहादुर ने 17वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यह चंद वंश के राजा थे। यह भी माना जाता था कि नैनीताल जिले में भीमेश्वर महादेव मंदिर शहर से भी बहुत पुराना है। इस मंदिर की वास्तुकला भी सरल है, जिसमें उस काल के अन्य मंदिरों से कुछ भिन्नताएं या अंतर है। भीमेश्वर महादेव की एक पौराणिक कथा ऐसी भी है। तो पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर प्राचीन है और द्वापर युग का है। भीम पांडवों का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक दुर्जय व्यक्ति था। अपने निर्वासन के दौरान वह हिमालय में पर्वतारोहण करने गए। अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज आई, जिसने उससे कहा कि यदि वह चाहता है कि उसे पीढ़ियों तक याद रखा जाए, तो उसे पूरी भक्ति के साथ एक शिव मंदिर बनाना चाहिए। वह एक सच्चा शिव भक्त था, इसलिए उसने उस स्थान पर पहाड़ पर भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया। भीम 100 हाथियों की शक्ति वाला एक विशाल और शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने पर्वतों को तोड़ने के लिए अपने गदा का प्रयोग किया। वहां से गंगा बहती है और गंगा का पानी एक झील बनाता है, जिसे भीमताल झील के नाम से जाना जाता है। बाद में उन्होंने यहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। भीमेश्वर महादेव मंदिर कई कारणों से प्रसिद्ध है। यह अपने मंदिरों, वास्तुकला और स्मारकों के लिए जाना जाता है। यह स्थान अपने भीमताल झील के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथा और संस्कृति भी स्थानीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध है। यह जगह अन्य जगहों के अलावा अपनी कहानियों के लिए भी मशहूर है। इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा हनुमान, शनिदेव और माता का मंदिर भी स्थित है। मंदिर में निवास करने वाले बाबा बताते हैं, इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान की गई थी। पांडवों द्वारा इस जगह में मौजूद शिवलिंग को भी स्थापित किया गया था, लेकिन घने जंगल के बीच मौजूद होने के कारण इस जगह पर पानी की कमी थी। शिवलिंग का जल अभिषेक करने के लिए पांडवों को जल की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद भीम ने इस जगह पर अपनी गदा मारकर झील उत्पन्न की थी, जिसे आज भीमताल झील के नाम से जाना जाता है। इस झील के जल से ही पांडवों ने शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। तो ये तो थी बातें भीमताल स्थित भीमेश्वर महादेव से संबंधित। आज के वीडियो में जो आपने देखा कि भीम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर करिएगा। आपके कमेंट्स हमें काफ़ी प्रेरित करते हैं, कमेंट्स से कीजिएगा। आज का वीडियो मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डसीला का प्यार भरा नमस्कार।